नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय जय न्यूज के एक और खास खबर में। हल्द्वानी नैनीताल रोड चौड़ीकरण नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं। नैनीताल रोड से अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ऐसे में PWD विभाग ने एक बार फिर से लाल डांड सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे 38 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिशासी अभियंता PWD विभाग अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ते ट्रैफिक को दबाव को देखते हुए शहर के नैनीताल रोड के साथ साथ कई अन्य सड़क भी चौड़ीकरण में आनी है, जिसके तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी नगर निगम और PWD विभाग की ओर से संयुक्त रूप से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अतिक्रमणकारियों को कहा गया है कि अगर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसकी सुनवाई 24 तारीख को होगी, जहां वो अपने दस्तावेज के आधार पर अपना पक्ष रख सकता है। तो चालान दे दिए गए हैं क्योंकि जी ये जो आप लोग के संज्ञान में होगा कि 13 जंक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए शासन से हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, और हल्द्वानी में जिस तरह की यातायात की असुविधा हो रही है, ट्रैफिक कंजेशन है, उसको दूर करने के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर के रोडवे स्टेशन भी इसी का पार्ट है, और जो भी अतिक्रमण से संबंधित या चौड़ीकरण से संबंधित कार्रवाई हो रही है वो एक संयुक्त टीम है हमारी, जिसमें नगर आयुक्त साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम हैं, नगर हमारे SDM साहब हैं, और मैं भी इसमें मेंबर हूँ, और जो नोटिसेस की भी कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसी प्रकार से मेरे और नगर आयुक्त साहब के संयुक्त हस्ताक्षर से जा रहे हैं। उसमें जिस पार्टी को जो भी अपने पेपर दिखाने हैं वो 24-25 तारीख को उसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, उस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर हम अन्य सड़कों के लिए भी बात करें तो उसके लिए भी समिति द्वारा यही तय हुआ है कि PWD और नगर आयुक्त दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से नोटिस दिए जाएंगे, जिसमें हमने इस कार्रवाई को कल हम लोग लाल डांड और पीली कोठी वाले जंक्शन इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के अतिक्रमण प्रतीत हो रहे हैं, तो उनको हमने नोटिस दिए हैं। कल 38 नोटिस सर्व किए हैं, और 38 नोटिसों की भी जो कार्रवाई हुई है PWD और नगर आयुक्त दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से वो की गई है। उसके लिए भी सुनवाई का टाइम हमने संभवतः एक हफ्ते का उसमें समय दिया है, तो 26 या 27 जनवरी है या 25 जनवरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें किया गया है। उसमें भी सेम इसी तरह से अपने अपने लोग प्रत्यावेदन देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। टोटल नोटिस कितने दिए गए हैं? अब आप समझ लीजिए कि 67 और प्लस 38, ये करीब लगभग 100 के पास नोटिस जारी हो चुके हैं। तो हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जय जैन न्यूज के साथ। नमस्कार।